दोस्तों, जब हमारा YouTube चैनल मोनिटाइज होता है तो जो भी पैसा हमें YouTube की तरफ से मिलता है, जो भी अर्निंग होती है, वो गूगल एडसन में ऐड होती है और गूगल एडसन के जरिए से हमारे बैंक अकाउंट में आती है। लेकिन एडसन में जब पैसा ऐड होता है, जब फर्स्ट में $10 से ज़्यादा जब पैसे ऐड हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें आईडी वेरीफिकेशन करना पड़ता है, आइडेंटी वेरीफिकेशन करना पड़ता है, जिसके बाद एक गूगल एडसन की तरफ से पिन हमारे घर पर आता है पोस्ट के जरिए से। वो पिन को हम गूगल एडसन में वहाँ पर हमें वेरीफाई भी करना पड़ता है। जब हमारा एडसन जो भी बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद हमारा जो पैसा होता है हमारे बैंक अकाउंट में हर महीने की 25 तारीख के बाद YouTube हम जो भी एडसन होता है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो एडसन पिन आने से पहले हमें वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो फटाफट चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा है 1500 रुपीज़ का। तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लगाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो पर जाके अपने पार्टिसिपेट करना है। वीडियो को फुल वॉच करने के बाद एक लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना है, क्या पता विनर आप बन जाओगे। चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, गूगल एडसन का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए हमें अपने गूगल एडसन अकाउंट को गूगल क्रोम पे कुछ इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे। उसके बाद देखो, हमारा जैसे एडसन अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हमें पूरा यहाँ पे डॉलर बताएगा। ये जो मेरा डॉलर है 16.51, ये मेरा लास्ट मंथ का है। ये मंथ का अभी तक मेरा ऐड नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, 10 तारीख तक हो जाता लेकिन अभी तक नहीं हुआ, शायद हो जाएगा, पता नहीं यूट्यूब का क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, यूअर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल अस यूअर अकाउंट इशू टू फिक्स। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम करके भी आपको मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एक्शन का, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो इस तरीके से एक्शन, हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई नाउ, ठीक है। यहाँ पर पूरा अकाउंट डिटेल मिलेगी और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड पेमेंट मेथड, यानी बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, वो हम बाद में करेंगे, अभी हमें आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा वेट कर लेना, यहाँ पे हमें पता चलेगा किस किस से वेरीफाई करना है। देखो तो यहाँ पे हम जूम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड। आधार कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा, सिर्फ नेशनल आईडी हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं पैन कार्ड या पासपोर्ट से कर लूँगा, मेरे पास दोनों है, ठीक है। वोटर आईडी तो नहीं है क्योंकि मैं इंडिया से काफ़ी बाहर ही हूँ, और ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास। तो चलो मैं यहाँ पे बिगिन वेरीफिकेशन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम लीगल नेम सेलेक्ट करेंगे, तो मैं अपना लीगल नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना लीगल नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो पासपोर्ट पर, जो आधार कार्ड पर, वही अपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद अपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको कौन से आईडी से वो वेरीफाई करना है। तो मैं फर्स्ट पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पैन कार्ड, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपको फर्स्ट एंड फ्रंट और बैक का आपको अपलोड करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हम अपलोड कर लेते हैं फ्रंट वाला, ठीक है। तो चलते हम फाइल में, ऐसे हम गैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, गैलरी ओपन करते हैं अपनी फोटो गैलरी, वहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं पैन कार्ड का। तो यहाँ से मैं अभी एक पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट वाला, और अब मैं यहाँ से बैक वाला भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया मेरा तो, क्योंकि काफ़ी पुराना है, तो फिर मैं पासपोर्ट दे दूँगा। तो अभी हम बैक वाला भी इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें पूरा डिटेल फिल करना है, ठीक है। हमारे जो भी एडसन में एड्रेस है वही हमें बराबर एड्रेस वही देना है, दूसरा एड्रेस हमें नहीं देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अभी पूरा यहाँ पे एड्रेस फिल कर लिया है, अपने भी इस तरीके से अपना पूरा एड्रेस फिल कर लेने का। और चाहे तो यहाँ पर एडिशनल एड्रेस भी हम दे सकते हैं, वरना हम अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबमिट पर क्लिक करूँगा, इससे हमारा जो गूगल एडसन वेरीफिकेशन पिन है वो हमारे घर पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं, मैंने अपलोड कर दिया सब कुछ, एड्रेस भी फिल कर दिया, और वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये प्रोसेसिंग होगा, और ये प्रोसेसिंग में रहेगा तकरीबन आपको 2-4 घंटे में आपको ईमेल आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से कि आपका आइडेंटिटी वेरीफिकेशन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ईमेल आ जाएगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करते हैं।
तो इस तरीके से आप गूगल एडसन का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। आप अपने पैन कार्ड से कर सकते हो या पासपोर्ट से कर सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके है। आपने पिक्चर खींचना है लेकिन पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करना। आप कोई भी मोबाइल से पिक्चर खींचते हो उसे अपलोड कर सकते हो। जैसे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपके घर पे एक दो हफ्ते के बाद तीन हफ्ते के बाद आपके घर पे एक गूगल एडसन की तरफ से एडसन पिन आएगा। उस पिन को अपने वेरीफाई करना है। वो पिन को वेरीफाई करने के बाद अपने बैंक अकाउंट ऐड करना है और उसके बाद जो भी एडसन में आपका पैसा यूट्यूब की तरफ से जब ऐड होता है एडसन में तो जो भी पैसा आपके एडसन में होगा वो हर महीने के 25 तारीख के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप गूगल एडसन का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। आप जान गए हो कि हम गूगल एडसन का वेरिफिकेशन कैसे करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।